बस जल्दी जाता हूँ और अवेंजर्स से बोलता हूँ ये रेड हल्क का धंधा हमें बंद करना पड़ेगा। अब तो इसका कोई बड़ा भाई भी आ गया है जो गॉड रेड हल्क बोलता है अपने आप को। इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूंगा सबसे पहले जाके मैं। अरे बाप रे, एक मिनट, ये क्या? ओडिन की कसम, बचा हमें टोनी स्टार्क, बचा ले, ये हमें खत्म कर देगा। अरे रुक, थोर मुझे बात करने दे। कौन है तू? हमको नहीं जानते, हम हैं रेड हल्क, सीधे गॉड रेड हल्क। ओ अच्छा, तो तू ही वो बड़ा वाला नमूना है, मतलब तू गॉड रेड हल्क है। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है तुम पर। कैसी परेशानी? तुम फटने वाले हो, पूरे स्टार्कमैन से मेरे बॉम्ब्स लगे हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के सब मरेंगे। अरे बाप रे, मुझे भागना पड़ेगा अभी, जल्दी नहीं जाता। अरे यार बॉम्ब ना फट जाए जल्दी से। अब तो स्टार्क आने लगे। अरे नहीं, इसने मेरा पूरा स्टार्कमैन से मार दिया। अरे यार ऐसे तो सारे एवेंजर्स मर गए होंगे। अरे मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरा सारी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे दोस्त सब तबाह हो गया। मैं तो बच गया, मेरे सारे दोस्त मर गए। ऐसा कैसे हो गया? उस रेड हल्क ने बहुत बड़ी गलती की अपने बड़े भाई को यहाँ बुलाकर। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे शहरवासियों की मदद चाहिए। मुझे शहर वालों को जाके पूरी तरह से अलर्ट करना होगा कि इस दुनिया में एक नया बादशाह आ गया है जिसका नाम है गॉड रेड हल्क। पता नहीं कितना ज़्यादा खराब है। मुझे लगता है रेड हल्क ने बहुत ज़्यादा बड़ी चाल चढ़ी अपने बड़े भाई को बुलाकर। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल गरीब और भिखारी बन गया है। गाइस प्लीज मेरी बात सुनो, गॉड रेड हल्क तुम सब पे हमला कर देगा। मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई आयरन मैन का सूट। प्लीज कहोगे मेरी मदद कर दो जिससे मैं वापस से आयरन मैन का सूट बना पाऊँ और आप लोगों की रक्षा कर पाऊँ। प्लीज मेरी बात सुनो। कौन परेशान कर रहा है? अरे भाई क्यों मार रहा है मुझे? मैं तो मदद मांग रहा हूँ, मैं आयरन मैन हूँ। तू आयरन मैन हो रहा था, ऐसे खड़ा होता है यहाँ से? कहाँ कहाँ से चले थे? अरे गाइस कितने बुरे बुरे लोग हैं, देख रहे हो? प्लीज मेरी मदद कर दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, तो मुझे मार रहा है। हाँ दिमाग खराब कर दिया फालतू में, कहाँ कहाँ से चला जाता हूँ उल्टा सीधा लोग। हाँ अरे दोस्तों, इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये मुझे पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। हमारा मुझे मदद चाहिए आप लोगों की, प्लीज आप लोग तो मेरी मदद करो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। चलो मुझे खुद की मदद करनी होगी। हम मुझे किसी भी तरह से मेरा कोई ना कोई एक आयरन मैन का सूट तो चाहिए, तभी मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। काश दोस्तों मेरा एक आप सूट बचा होता, लेकिन मेरे सारे के सारे सूट स्टॉक मेंशन में ही थे, तो सब के सब तबाह हो गए होंगे क्योंकि पूरा स्टॉक मेंशन उसने तबाह कर दिया था। एक मिनट, की क्या न्यूज आ रही है, मुझे देखना पड़ेगा। आओ बार, ये क्या हो रहा है? आयरन मैन के सारे सूट की नीलामी हो रही है। मैंने सुना है उसके सारे सूट बेच चुके हैं, उसका सिर्फ एक सूट रह गया है मार्क। अगर किसी को चाहिए तो ट्रेवर वाले एयरपोर्ट की जगह पर आ जाओ, उसकी नीलामी बहुत जल्दी होने वाली है। ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था रेड हल्क ने मेरे सारे सूट तबाह कर दिए होंगे। वो मेरे सारे सूट्स की नीलामी कर रहा है और उसमें से सिर्फ एक सूट बचा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे मेरा सूट चाहिए। दोस्तों मुझे जाना होगा, जल्द से जल्द मैं अपना सूट लेकर आता हूँ। मुझे बस एक सूट चाहिए, उसके बाद रेड हल्क और उसके बड़े भाई गॉड रेड हल्क दोनों की बैंड बजा दूंगा। हर्ट यहाँ से, कौन सा मेरा सूट की नीलामी कर रहा है? सामने आओ। हाँ मजा आ जाएगा, ले लो सूट, बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ $1,00,000 में। हाँ मजा आ जाएगा। अरे यार, एक तो ये बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर सा आदमी है, इससे मैं डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। मुझे एक काम करना होगा, सूट को पहनना होगा। ये सूट अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जावेस तुम मेरी बात सुन रहे हो? जी सर। सूट पहनाओ मुझे। ओके सर। आओ आएगा मुझे तेरी, तो मैं तुझे बताता हूँ बड़े से बॉडी बिल्डर। ये क्या बात कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हमें ये बताओ, $1,00,000 दे रहा हूँ यहीं पीटा, नहीं तो निकला यहाँ से। और सूट में पहन नहीं पा रहा हूँ, जावेस क्या हो रहा है? सर बस कुछ टाइम रुकिए, मैं इसको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ आपके अप्रियम के से। ठीक है मैं समझ गया, जावेस तुम जल्दी से करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 1, 2, 3, 4, ये पहना मैंने अपना सूट, ये मुझसे मांगना है $1,000 मांगता हूँ मुझसे, आप नहीं तो उसका हुनर हूँ। ये लो सबकी बैंक में जा दूंगा, तुम लोगों को बता दिया मैं कौन हूँ। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ से गलत हमारे बॉस को बुलाएंगे तो मारेगा। हाँ जल्दी रहा हमारा सर। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, मेरा ऑफिस मुझसे बोल रहा है तो उसी चीज देने के लिए, यही तो गूगल बताता हूँ मैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा बॉडी गार्ड ये रहे इस ऑयल से। आओ तो मस्त। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक चीज है, हमें भागना चाहिए यहाँ से। और कौन से भगा दूँ, तेरी बैंड तो नहीं बता दूंगा। ये ले और उसको ये देखो, ये बॉर्डर के चेहरे दिखने ज्यादा पावरफुल है, तुमको कितना पावरफुल है। इसको भी नहीं होने वाले, इसकी तो ठीक से बैठ जाने वाले। हाँ भाग रहा है रोक रोक। हाँ हम बहुत खतरनाक है यार। अरे यार मार्शल आर्ट आप दोस्तों, फाइनल इसकी बैंड बजा दी। ये ले
अब बहुत बुरी तरह से मारा मैंने इसको। अब मेरे हिसाब से मुझे अपने सूट को अपग्रेड कर लेना चाहिए, इसको मैं ये गॉड रिच बनाना चाहिए जिससे कि मैं हरा पाऊँ उस गॉड रेड हल्क को, तभी जाके मैं अमीर से फिर से अमीर बन जाऊँगा। मतलब मेरा मतलब अभी मैं गरीब हूँ लेकिन बहुत जल्दी अमीर भी बनूंगा, आप लोग देखते रहो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर मैन बन जाऊँगा। इस बार मुझे गॉड रेड हल्क तो क्या उसका गॉड उससे भी ऊपर का गॉड मुझे हरा पाए। चलो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, दिमाग खराब हो गया मेरा, मुझे जल्द से जल्द गॉड रेड हल्क को ढूंढ कर और उसके छोटे भाई ढूंढ कर मारना होगा, जिससे मैं वापस से एक नई प्रॉपर्टी खरीदूं और अमीर बन जाऊं और मैं अपना सोना भी निकाल के गोल्डन हल्क बस्टर को बनाऊं। जल्द से जल्द चलता हूं और बाप रे ये क्या हो रहा है, हमारा चेला कहां गया, वो आयरन मैन का लॉसूट बिछाया नहीं, मुझे देखना होगा। एक मिनट, ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पर देखना पड़ेगा मुझे। जल्दी जल्दी चलता हूँ, एक मिनट, ये तो टोनी स्टार्क है, इसके पास ये आयरन मैन वाले सूट और एक्टर कहाँ से आ गए और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब ये अभी भी जिंदा है, मुझे बड़े भाई को बताना होगा। बड़े भाई, आयरन मैन जिंदा है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। जल्दी जल्दी चलता हूँ अपने भाई के पास। बड़े भाई, एक दोस्त मेरा मतलब सबसे बड़ा नमूना जो कि आयरन मैन जिंदा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो खुद फटा था। नहीं, वो भाग गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ उसको पकड़ कर लाओ। ठीक है मेरे बड़े भाई, जैसा आप कहें, मुझे जाकर उस आयरन मैन को पकड़ना होगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ और उसको पकड़ के अपने भाई के पास लेकर आता हूँ। टोनी स्टार्क, अरे यार तू क्या कर रहा है यहाँ पर, मैं बारबेक्यू कर रहा था, कुछ खाएगा, आएगा तो तू वो भी मार, चल मेरे साथ, नहीं तो मेरा भाई तेरी बैंड बचा देगा, वो तुझे बुला रहा है। मुझे पता है तेरा भाई मुझे क्यों बुला रहा है, वो चाहता है कि मैं तेरे साथ जाऊँ और मुझे जान से मार दे, बाकी मेरे दोस्तों की तरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत जल्द तुझे तेरे भाई को शमशान घाट पहुँचाने वाला हूँ। तुमने एवेंजर्स का साथ ऐसा बहुत ज्यादा गलत किया क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, मैं तुम दोनों को जान से मारूंगा, समझा। अच्छा बेटा, अभी तेरी बैंड बजाता हूँ, चल सूट पहनो उसकी बैंड तो पैसा है और इंग्रेडिएंट्स हैं उनका यूज़ करके मैं अपने सूट को हैक कर हमें बदल देता हूँ, जिससे मैं गॉड रिच आयरन मैन बन जाऊँ और उसके बाद मैं उस गॉड रेड हल्क को हराऊंगा, क्योंकि मैं इस नॉर्मल फॉर्म में उसका बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। तो चलो दोस्तों अपने सूट को अपग्रेड करते हैं और रेड हल्क के ही भाई की पावर्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने रेड हल्क की पावर्स को मिक्स करके ये वाला सूट क्रिएट किया है। अब मेरे पास ब्लेड आ चुका है, कहाँ पर है गॉड रेड हल्क, कौन है, एक मिनट, टोनी स्टार्क मेरा छोटा भाई कहाँ पर है। वो तेरा भाई बहुत जल्दी शमशान घाट पहुंच ही जाएगा, मैंने उसका इतना बुरा हाल किया है और मैं भी उसको तुझे तेरे पास बचाने आया हूँ। क्या बकवास किया जा रहा है, बकवास बंद कर और ये बता मेरा भाई कहाँ है। तेरा भाई मरने वाला है, समझा, ऐसा कैसे हो सकता है टोनी स्टार्क, मैंने तो खुद ही अपनी आंखों से मारा था। तूने मेरी आंखों से मारा या तूने मुझे अपनी आंखों से मारा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुझे जान से मारने आया हूँ। बहुत बकवास बातें होगी, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरे छोटे भाई का पता बता। तेरा भाई शमशान घाट पहुंच गया, समझा, और तू भी वहीं जाने वाला है, चिंता मत कर। मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बताता हूँ तुझे, ये ले कितनी बकवास करता है, ये ले अब बता कैसा लग रहा है। अरे यार तुझे यार तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, अरे बाप रे, ये ले यार, ये गॉड रेड हल्क बहुत पावरफुल है, अच्छी बात है मैं गॉड रिच बन गया हूँ, तभी गुस्से लग रहा हूँ। टोनी स्टार्क, मैं तेरे सारे पैसे को यूज करके अपनी बुराई की बात तो बन गए, नहीं बोल रहा मैं तुझे कोई अपनी दुनिया में जीने का और प्राप्त करने का, समझा, बंदा मरेगा। अरे यार ये क्या क्या तूने मेरे साथ, नहीं ये क्या हो रहा है, मैं हेल्प नहीं पा रहा हूँ, मैं तेरी बॉडी की सारी सारी एनर्जी को ले लिया हूँ। तो दोस्तों हमने गॉड रेड हल्क की एनर्जी भी ले ली है, अब इसका यूज करके हम बहुत बड़ा एम्पायर बनाएंगे। इस बार मैं अपनी बड़ी एवेंजर्स की आर्मी बनाऊंगा, गॉड रेड हल्क सोचेगा नहीं कि मुझसे डरने का। तो चलो दोस्तों जल्दी चलते हैं अपने स्टार्क मैन से वापस और जाके बन जाते हैं गॉड रिच आयरन मैन वापस। चलो दोस्तों वापस चलते।
अपने स्टॉक मेंशन और उसको दोबारा से रिबिल्ड करते हैं। जल्द से जल्द देखिए गाइस, मैंने फाइनली एक नया स्टॉक मेंशन बनाया है और देखिए मेरा ये सूट ऑलमोस्ट वाला कितने कमाल का ड्रॉप कर रहा है और मेरा सारा का सारा पैसा मुझे वापस मिल चुका है क्योंकि मैं फिर से अभी हो गया, मैंने शेयर और दुनिया को फिर से बचा लिया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप और वीडियोज़ भी देखते रहो इसी तरह से, इस वीडियो को भी लाइक कर दो।